नमस्कार, डेट है आज की 29 मई 2022, और आज जो था वो मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर। ये जो स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर कंडक्ट किया गया था, इसका पोस्ट कोड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, 928 जो था वो इसका पोस्ट कोड था। अब 928 इसका पोस्ट कोड था, तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको जो है हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं, विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन द सीज़न ऑफ खरीफ। तो खरीफ के सीज़न में जो है इनमें से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो देखो, खरीफ के सीज़न की बात करें तो खरीफ के सीज़न में जो है वो जौ और मस्टर्ड जो है वो नहीं बोए जाते। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का पहला स्थान आता है, ऑप्शन ए सही आंसर है, पहला स्थान इंडिया का आता है। बोलते हैं, विच स्टेट हैज़ हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो बोलते हैं कि किस राज्य में जो है वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिकतम है, वो है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं, डायमंड माइंस आर फाउंड इन। तो डायमंड की माइंस इंडिया में कहाँ पर पाई जाती हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो पन्ना में पाई जाती हैं। पन्ना डायमंड माइंस के लिए फेमस है, ऑप्शन डी सही आंसर हो गया, हमने बहुत बार डिस्कस करके रखा है। आगे बोलते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज करेक्टराइज बाय। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो किससे जो है वो इसकी विशेषता जानी जाती है। तो ये जानी जाती है एन इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्लाइन इन द डेथ रेट के से, ऑप्शन सी सही आंसर है, जन्म दर में वृद्धि और घटती मृत्यु दर से। आगे बोलते हैं, विच इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इनमें से एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी है, इनमें से गैंजेटिक डॉल्फिन जो है गंगा की जो गंगा क्षेत्र में पाई जाने डॉल्फिन जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है IUCN की, ध्यान रखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं, सेवन नंबर क्वेश्चन में, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लेफ्ट मोस्ट इन द केसेज ऑफ। तो हरित क्रांति का असर निम्न में से किस पर सबसे अधिक पड़ा था। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसका सबसे अधिक फर्क जो था वो पड़ा था व्हीट के ऊपर, ऑप्शन ए गेहूं जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं, द लैंग्वेज यूज इन राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल इज। तो जो जानवरों के साइंटिफिक नेम होते हैं उनको लिखने के लिए लैटिन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है, लैटिन भाषा। आगे बोलते हैं, स्कर्वी इज अ डिजीज ऑफ। तो स्कर्वी जो है वो किसकी एक बीमारी है। वैसे तो ये देखो इसका स्किन सही आंसर हो सकता है, वैसे तो ये विटामिन सी की कमी से होती है, स्किन हम इसका सही मान के चलेंगे, बाकी आंसर की आने पर एक बार चेक जरूर कीजिएगा। आगे बोलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन में, द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन एलिमेंट्री कैनालिस। तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पादन क्या होता है, तो ग्लूकोज जो है इसका होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, द यूनिवर्सल डोनर हैज़ विच ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर इसको कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, उससे पहले अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, एक इंपॉर्टेंट बात है, टेलीग्राम पर अगर अभी भी आपने ज्वाइन नहीं किया है ना, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर एक तो आपको इस वीडियो की PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, इस पेपर की PDF, और भी हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती है वो वहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम खोलिए, वहाँ सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ 18,400 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जल्दी से जुड़ जाइए। आगे बोलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में, हाउ मैनी बोन्स आर फाउंड इन एडल्ट ह्यूमन। एक वयस्क इंसान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 206 हड्डियां जो है वो पाई जाती हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है, 206। आगे बोलते हैं, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट विच हार्मोन इज रिलीज इन हाइयर अमाउंट। तो बोलते हैं जब एक्साइटमेंट होती है तो कौन सा हार्मोन निकलता है, तो उस दौरान जो है वो एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। ओशन करंट आर एग्जांपल ऑफ। तो ओशन करंट किसका एग्जांपल है, ये कन्वेक्शन का एग्जांपल होते हैं, संवहन का एग्जांपल, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। 15 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैज़ मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू। तो अल्ट्रा वायलेट की जो रेडिएशन होती है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है इन्फ्रारेड से, ऑप्शन ए सही है। आगे बोलते हैं, लेंस जो है वो किससे बनता है, लेंस जो है वो बनता है फ्लिंट ग्लास से, ऑप्शन बी सही आंसर है, फ्लिंट ग्लास। आगे 17 में बोलते हैं, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जो पृथ्वी किस तरह से जो है वो तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं, विनेगर कंटेंस, तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है, सिरके में जो है वो एसिटिक एसिड होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। तो पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट पर जो है वो कौन सी धातु सबसे बहुतायत पाई जाती है, बहुतायत पाई जाती है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। रॉकी साल्ट कंटेन विच मिनरल, तो रॉकी साल्ट जो है वो कौन सा मिनरल कंटेन करते हैं, तो ये सोडियम कंटेन करते हैं, ऑप्शन बी सोडियम सही आंसर है। आगे चलती है HPG की। देखो HPG की हमने ऑलमोस्ट सारे की सारे जो है वो डिस्कस करके रखी थी अपनी वीडियोज में, बस
एक क्वेश्चन ऐसा था जो हमने डिटेल से डिस्कस नहीं किया था, बाकी सारे क्वेश्चन एचपीजी के डिस्कस हुए थे। बोलते हैं गढ़ाचरू झील कहाँ पर स्थित है? गढ़ाचरू झील चंबा में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। गसोत्ता मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? बहुत बार डिस्कस हुआ है, हमीरपुर में लगता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। बिनवा किसकी सहायक नदी है? बिनवा, बेण, बाणगंगा, ये ब्यास की सहायक नदियाँ हैं सारी की सारी, ऑप्शन ए सही आंसर है। भावा, भावा वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो किन्नौर में स्थित है ये भावा वैली, ऑप्शन ए सही आंसर है। इंद्रकीला माउंटेन पीक कहाँ पर स्थित है? इंद्रकीला माउंटेन पीक कुल्लू में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं जिसकी लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो कितनी बार बताया है कि लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, ऑप्शन डी लाहौल स्पीति, और हमीरपुर की सबसे ज़्यादा है, ये भी हमने पढ़ा है। बोलते हैं पहले चीफ कमिश्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के? तो फर्स्ट चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के थे एन सी मेहता, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन हिमाचल प्रदेश, तो 68 जो है यहाँ पर, 68 जो है टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। 29 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, ये हमने जो डिस्कस भी नहीं किया था पहले। बोलते हैं विच फॉरेन ट्रैवलर हैज रिटन इन डिटेल अबाउट ग्लोरी ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट इन एंशियंट डेज, तो इसका हम हेन सांग जो है वो सही आंसर मान के चलेंगे, बाकी आंसर की आने पर जरूर चेक करना। आगे बोलते हैं द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर इज, तो जब भी आंसर की आती है वो भी आपको टेलीग्राम पर जल्दी से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। 31 में बोलते हैं सुकेत प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसने की थी? तो सुकेत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा वीर सेन ने सुकेत की स्थापना की थी, ऑप्शन बी सही आंसर है, वीर सेन ने। बोलते हैं व्हेन वाज द प्रेजेंट मंडी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना कब हुई थी? 15 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हो गई थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। बैरासूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो मैंने बहुत बार बताया है कि बैरासूल जो है वो रावी नदी के ऊपर बना हुआ है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, रावी। बोलते हैं फेमस त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1970 में जो था वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। एच पी जी के वैसे काफ़ी आसान भी यहाँ पर पूछी गई थी। 36 में बोलते हैं कालका शिमला रेलवे ट्रैक जो है यहाँ पर लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है? वो आती है बड़ोग टनल सोलन में, ऑप्शन सी सही आंसर है। कुफरी ज्योति जो है वो किसकी वैरायटी है? कुफरी ज्योति जो है वो पोटैटो की वैरायटी है, ऑप्शन डी पोटैटो आलू जो है वो सही आंसर हो जाएगा। किन्नर देश किताब किसने लिखी है? तो मैंने बहुत बार बताया है कि राहुल संकृत्यान के द्वारा लिखी हुई किताब है ये किन्नर देश किताब, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना कब, भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? चंबा में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? चलो कमेंट करके आप ही बता दीजिए। सुनतो इज अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो अभी तो मैंने 2-3 दिन पहले तो टेलीग्राम पर भी ये क्यूज जो था वो डाला था, यूट्यूब पर भी डाला था, शायद यूट्यूब पर ही डाला था। तो लाहौल स्पीति में जो है सुनतो फोक डांस जो है वो परफॉर्म होता है। आगे देखिए 41 में बोलते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर। 41 में बोलते हैं टीचर इज रिलेटेड टू स्कूल इन द सेम वे कुक इज रिलेटेड टू, कुक किचन से संबंधित होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। 42 में बोलते हैं विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इनमें से ऑप्शन सी 27 जो है वो डिफरेंट होगा। आगे बोलते हैं इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो ई के जो है वो सही आंसर आएगा, ई के। और 44 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 44 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर आएगा, एफ। और उसी तरह जो है अगला क्वेश्चन है आपके पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 8241 ऑप्शन सी सही आंसर है। 47 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी रूफ सही आंसर आएगा, रूफ छत। और 48 को जब आप सॉल्व करेंगे तो साउथ वेस्ट सही आंसर आएगा, ऑप्शन बी। 49 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 37 सही आंसर आएगा, ऑप्शन डी। 50 को जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी नन जो है इनमें से कोई भी नहीं ये सही आंसर आएगा। आगे है आपके पास करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन में बोलते हैं कि जेजेरो क्रेटर जो है अभी हाल फिलहाल में खबरों में था, तो ये किस स्पेस बॉडी से संबंधित है? तो ये मार्स से संबंधित है, मार्स ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 52 में सुनील छेत्री जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन बी सही आंसर है, फुटबॉल। 53 में बोलते हैं कि मैट फ्रेडरिक्सन जो हाल फिलहाल में भारत की यात्रा जिन्होंने की थी वो कौन सी कंट्री के प्रधानमंत्री हैं? डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे है वी एम माधवन नैयर जो है जिनका हाल फिलहाल में देहांत हुआ है, ये एक ब्यूरोक्रेट थे, ऑप्शन सी सही आंसर है, ब्यूरोक्रेट नौकरशाही से संबंधित है। मित्रा जो है ये स्कीम 2021-22 के बजट में जो है वो चलाई गई, ये किस सेक्टर से संबंधित है? तो ये टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। पोंटे डी फेरो बोलते हैं ये हाल फिलहाल में कोलैप्स हुआ है, तो ये कौन सी कंट्री से संबंधित है? पोंटे डी फेरो जो है वो इटली से संबंधित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु हैज़ बीन फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, तो स्मृति मंधाना इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है।
क्लीन इंडिया प्रोग्राम जो है वो रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है, कौन से राज्य में जो है इसको चलाया गया है? तो ये जो क्लीन इंडिया प्रोग्राम है ये उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में चलाया गया। आगे बोलते हैं, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया? तो ये फेसबुक ने जो है वो क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम चलाया है। आगे बोलते हैं 60 में, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन समिट फॉर इंफॉर्मेशन एंड डेमोक्रेसी रिसेंटली एट न्यूयॉर्क? तो ये अनुराग ठाकुर जो था इसकी इस समिट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे है, करेक्टली स्पेल करना है, तो सही स्पेलिंग आप इनकम्बेंट की देखेंगे तो INCUMBENT, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे क्रेडुलस की सही स्पेलिंग क्या होगी? CREDULOUS, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एंग्जाइटी की सही स्पेलिंग होगी ANXIETY, ऑप्शन सी सही आंसर है। डायलमा की सही स्पेलिंग क्या होगी? तो इसकी सही स्पेलिंग होगी DILELEMA, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इनकम्पैटिबल की सही स्पेलिंग क्या होगी? तो इनकम्पैटिबल की सही स्पेलिंग होगी INCOMPATIBLE, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक करने हैं आपको, तो बोलते हैं इट इज़ नॉट इजी टू बीट ऑफ, इसका होगा ऑप्शन डी बीट ऑफ अ स्वैन ऑफ वेस्प वेस्प इफ दे अटैक यू। 67 में बोलते हैं भाई डोंट यू सिट बिसाइड मी, ऑप्शन बी बिसाइड इसका सही आंसर होगा। 68 में बोलते हैं सी टायर्ड होगा यहाँ पर ऑफ, सी टायर्ड ऑफ मेकिंग अपील टू हर इन लॉज। आगे 69 में बोलते हैं द डिस्प्यूट कैन बी इजिली सेटल्ड बिटवीन यू एंड आई होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी आई होगा। आगे बोलते हैं 70 में यू आर कमिंग टू द मूवी आर नॉट यू, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं 71 में कि बेस्ट मीनिंग आपको बताना है इस लाइन का, बोलते हैं लॉटरी इन विच एन आर्टिकल इज असाइंड बाय लॉट टू वन वन ऑफ दोज बाइंग टिकट्स, तो इसका रेफर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 72 में बोलते हैं वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट पर्टिकुलरली फाइन आर्ट, तो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, कॉन्सर जो है उसको कहते हैं। 73 में बोलते हैं अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू अ गॉड आर मेड, तो उसके लिए एल्टार ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं अ पर्सन हु ट्रेवल टू सेक्रेट प्लेसेज एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन इज, तो पिलग्रीम उसको कहते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर। पीपल एट अ लेक्चर और कंसर्न, तो जो वहाँ पर लोग होते हैं ऑडियंस उसको बोलते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। 76 to 80 अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, अपॉइंटमेंट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? डिसमिसल इसका अपोजिट मीनिंग होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। चैलेंज का अपोजिट मीनिंग होगा एक्सेप्ट करना, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेटिव का अपोजिट मीनिंग होगा, नेटिव का ऑप्शन ए एलियन जो है इसका अपोजिट मीनिंग है। लीथल का अपोजिट होगा सेफ, ऑप्शन ए सही आंसर। कवर्ट का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? कवर्ट का ऑपोजिट मीनिंग होगा ओपन, ओपन जो है इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हिंदी का क्वेश्चन 81 में देखिए, विद्यार्थी किस तरह से लिखते हैं, तो ऑप्शन ए जो है विद्यार्थी इस तरह से लिखा जाता है। पर्यापत किस तरह से लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी पर्यापत इस तरह से लिखा जाता है। दिग्गज किस तरह से लिखते हैं, तो दिग्गज ऑप्शन सी इस तरह से लिखते हैं। तो 84 में बोलते हैं तिरस्कार, तिरस्कार ऑप्शन डी कुछ इस तरह से लिखते हैं। निर्जल, निर्जल जो है वो ऑप्शन सी कुछ इस तरह से लिखा जाता है। कंसाइनमेंट का हिंदी मतलब बताना है आपको, तो कंसाइनमेंट का हिंदी मतलब होता है प्रेषण, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। सुपरवाइजर का हिंदी मतलब क्या होता है, सुपरवाइजर का हिंदी मतलब होता है पर्यवेक्षक, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। एडमिनिस्ट्रेटर का हिंदी मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का हिंदी मतलब होता है प्रशासक, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। एग्जीक्यूशन का हिंदी मतलब होता है, तो एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फांसी, ऑप्शन डी सही आंसर है, फांसी। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एग्जीक्यूशन, इसमें शायद काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ होगा। कमीशन, कमीशन का मतलब होता है आयोग, ऑप्शन डी सही आंसर है। बोलते हैं परीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा, परीक्षण का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए परी प्लस शिक्षण, इस तरह से लिखा जाएगा। जुलाहा का स्त्रीलिंग, रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले डिस्कस किया है, जुलाहिन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं ताल का बहुवचन क्या है, तो इसका ऑप्शन सी ताले जो है वो सही आंसर आ जाएगा। इस तरह से ताले को मात्रा होगी और एक बिंदी होगी, ताले इसका सही आंसर है। अब देखिए 94 क्वेश्चन, बोलते हैं यथारुचि में कौन सा समास है, यथारुचि में जो है वो अव्यय भाव समास आएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। कपट का विशेषण क्या होगा, कपट का विशेषण होगा कपटी, ऑप्शन ए सही आंसर है। नाली में प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय है नाली में ई प्रत्यय, ऑप्शन सी सही आंसर है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, अग्नि का पर्यायवाची होगा पावक, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे है मनुज, मनुज का विलोम होगा धनुज, ऑप्शन बी सही आंसर है।
चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चकमा देना होता है धोखा देना। ऑप्शन बी जो है उसका आंसर है, धोखा देना चकमा देना मुहावरे का अर्थ है। यौगिक शब्द कौन सा है इनमें से? तो पुस्तकालय जो है एक यौगिक शब्द है इनमें से, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो 100 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस कर लिया। टेलीग्राम पर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जब भी अगला पार्ट आएगा टेलीग्राम पर भी आपको उसकी इंटीमेशन मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर दीजिए, इस पर भी जो है वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो @ALEXAM31 इस तरह से आपको सर्च करना है टेलीग्राम के लिए, तो टेलीग्राम पर आपको आने वाले पार्ट की जल्दी ही इन्फॉर्मेशन दे जाएगी। थोड़ी देर में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, अगले 100 क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है फिलहाल, अगला पार्ट जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।